आज जो हमने ये प्रोटेस्ट किया ये एएनसी की तरफ से हुआ। ये मरहूम शाह साहब की आज 13th डेथ एनिवर्सरी थी और इस पर हमने मुनासिब समझा कि जो आज हमारे दर्द हैं यहाँ, जो लोगों के दिलों में दर्द हैं, उनको एएनसी भी आज सामने आएगी, मैदान में निकलेगी बाहर। और हमने एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया यहाँ पर कि भाई जो जिस तरीके से यहाँ का निज़ाम चलाया जा रहा है वो बिल्कुल नामंजूर है यहाँ के लोगों को। और आपको जब तक आप ये कश्मीर की जो पॉलिसी है, शाह साहब भी जो बार बार कहते थे हुकूमत हिंद को और हुकूमत पाकिस्तान को कि आपको बैठकर जम्मू कश्मीर के मामले को एक पायदार हल की तरफ ले जाना पड़ेगा, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी सब आपका साथ देंगे। और जब तक आप वो नहीं करेंगे, तब तक जब तक आप मरहम नहीं लगाएंगे यहाँ के लोगों के दिलों में, तब तक ये अमन यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी बात है, जो लैंड का आजकल ये सेल हो रही है रियल एस्टेट के तहत, वो टोटली नामंजूर है जम्मू के हिंदू को, कश्मीर के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको। हमारे यहाँ पे 21% इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है इस वक्त, जहाँ की पूरे मुल्क में इट्स ओनली 7%। सो अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, जब तक उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान का, यहाँ के लोगों का उसमें अमल दखल ना हो, आप इस तरह हमारी ज़मीनें नहीं बेच सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कांट सेल आवर लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट। और जितने भी, जी हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेज ने आपने लैंड दिया है गुलमर्ग में, ये तो सरासर लूट है। यू cannot डू दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ अ लेजिस्लेचर। इसलिए हमारी अपील आज के दिन ये सबसे है, चाहे वो किसी खीमे से ताल्लुक रखता हो, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज़ देकर कि रिटर्न आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, रिटर्न 370 एंड 35A, नो टू सेल ऑफ लैंड, नो टू डिलिमिटेशन। एंड जितने भी आप ये पकड़ दकड़ ये बच्चों की कर रहे हैं, इनको रिलीज किया जाए। जिस तरह से वो अरसलान को पकड़ा है, ही हैज़ टू बी रिलीज्ड। ये गलत बात है, इस तरह से कश्मीर नहीं चल सकता है। शुक्रिया। जी, ये हमारा फ्लैग है, बिल्कुल इसको आप नहीं हटा सकते। ये चूंकि मैं PAGD का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, ये PAGD ने ये अडॉप्ट किया है फ्लैग, इसलिए मैं फ्लैग चला रहा हूँ।